वो भी एक दौर से मैं गुजरा जहाँ सब लोग बोलने लगे रही तो मेंटल हो गया, लोग दुनिया बोलती थी। अब मेरा वेट 103 किलोज हो गया था ऐसा, और मेरे मूवमेंट्स वो गोली गोली की वजह से एकदम स्लो ऐसे हो गए थे। अब मैं बोला यार मैं तो हीरो भी नहीं बन पाऊँगा, लुक्स भी ख़त्म हो गई हैं। ये पिक्चर ये भी लोगों को सोचने पर मजबूर करेगी शायद कि अगर ये मेंटल था तो इसने ये पिक्चर कैसे बनाए। एक तो वो महाभारत थी, एक मुझे महाभारत लड़नी पड़ी। लेकिन सर एक सवाल ये भी आता है कि जी ना लंबा समय का वेट जी 2015 में 2000 फिल्म आई थी दास्तान, दास्तान इश्क, हाँ वो तो हाँ, उसके बाद अभी 2021 उसके बीच में एक और पिक्चर मैंने किया है शूट, उसका नाम है डेंजर अहेड। जैसे दास्तानिश रिलीज़ हुई मुझे एक कॉल आया तो डायरेक्टर का, उससे बात हुई तो वो मैंने पिक्चर कंप्लीट कर दिया, वो रिलीज़ ही नहीं कर रहे हैं। अब यही होता है ना, मैंने पोस्टर देखा था एक प्लेट में आपकी, हाँ प्लेट में मुंडी पड़ी, तो वो भी बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। अब वो हिम्मत, अब वो रिलीज़ नहीं कर रहे हैं तो मैं बोला यार मेरा यही तो प्रॉब्लम होता है कि यार एक्टर कुछ करता है और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कुछ और कर देते हैं। अब वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई, वो मेरी नेक्स्ट पिक्चर वो कब का आ जाना चाहिए थी। अब क्या रीजंस हैं वो तो वही जाने, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं या क्या किस चीज़ के लिए रुके हैं, या शायद इसी में बेहतरी हो गई है कि फैक्ट्री आ जाए उसके बाद ये भी आ जाए। अब ये तो ऊपर वाला जानता है क्यों क्या होता है। इस गैप में सर हमने जब ट्रेलर रिव्यू किया था जी, तो कुछ इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए जी कि इस गैप में फैजल खान सर ने किसी रियलिटी शो में काम क्यों नहीं किया या तो टीवी में कुछ क्यों नहीं किया, इतना लंबा समय का ब्रेक क्यों लिया? कोई लेता ही नहीं। फैजल खान को सब लोग फ्लॉप एक्टर मानते हैं, और सही बात भी है। मेरी मधोश पिक्चर फ्लॉप हो गई, मेरी मेला पिक्चर फ्लॉप हो गई, तो मार्केट होना चाहिए ना, आपको लोग क्यों लें? आप थोड़ा बिकेंगे तो आपको लोग लेंगे, प्रोजेक्ट बनता है, प्रोड्यूसर भी सोचता है मैं बेचूंगा कैसे पिक्चर। फिर मतलब ये सब एक दौर भी आया जहाँ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी मेरी फैमिली के साथ, तो वो भी एक दौर से मैं गुजरा जहाँ सब लोग बोलने लगे रही तो मेंटल हो गया, लोग दुनिया बोलती थी, वो भी दौर एक टफ दौर था, उससे भी मैं गुजरा, उससे भी मैं उभर के आया। तो ज़िंदगी में बहुत मज़े आ रहे हैं, बहुत रंग देख रहे हैं, काफ़ी रंग उतार चढ़ाव सब देख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है लाइफ में। लाइफ ऐसे ही जी जाती है। लाइफ के बारे में जो पास्ट फैमिली के साथ जी जो जी हुआ आपने बताया, exactly what happened? मैं फैमिली से कुछ चीज़ों को लेके मैं थोड़ा अग्री नहीं कर रहा था कुछ बातों पे फैमिली से, तो मैंने सोचा मैं फैमिली से थोड़ा दूर हट जाऊँ, ना कि उनके पास रहूँ और लड़ाई झगड़ा करूँ और मैं कुछ बोलूँ वो कुछ बोलें तो बात बढ़ जाएगी। तो मैंने बोला मैं एक स्टेप पीछे ले लेता हूँ, थोड़े टाइम के लिए मैं थोड़ा डिस्टेंस कर लेता हूँ फैमिली से, दुनिया वालों से नहीं। तो उस पर फैमिली थोड़ी चिढ़ गई और फैमिली ने बोला नहीं यार ये तो फैमिली वालों को नहीं मिल रहा, ये पागल हो गया। फैमिली क्योंकि फैमिली तो होती बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे फैमिली में महाभारत शुरू हो गई। अब महाभारत जब शुरू हुई तो आप जानते हैं क्या क्या होता है, पॉलिटिक्स भी होता है क्या क्या होता है, तो उस दौर से गुजरना पड़ा। तो खैर मैं तो नॉर्मल था, मैं मेंटल नहीं हुआ था, लेकिन बहुत मुझे उसका जो भी एक करना पड़ा। और फिर फैमिली वालों ने मुझे पकड़ के एक नर्सिंग होम में रखा, वहाँ 15-20 दिन आमिर साहब आए पुलिस के साथ डॉक्टर्स के साथ, और उन्होंने बोला तुम पागल हो गए हो और तुम अगर नहीं चलोगे, यही घर की बात है, ये भी आमिर साहब का ही घर है जहाँ मैं रहता हूँ, अगर तुम नहीं चलोगे तो तुमको ये डॉक्टर है ये इंजेक्शन देके तुमको सुला देगा, अनकॉन्शियस तुमको लेके जाएगा। बोला यार ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बोला चलो लेके जाएंगे, कुछ टेस्ट करेंगे, अगर उनको लग रहा है कि ऐसा है तो वो टेस्ट करेंगे छोड़ देंगे। तो मैं तो वहाँ चला गया उनके साथ, सब पुलिस बॉडीगार्ड 40 बॉडीगार्ड, बोला ये सब करने की क्या ज़रूरत है भाई। मैंने बोला यार ये भी अजीब हो गया। तो खैर गए तो वो लोग तो मुझे वहाँ पकड़ ही लिया कोजी नर्सिंग होम में, वहाँ दवा देने लग गए, पानी में इंजेक्ट करने लग गए दवा। अब मैं सोच रहा हूँ मैं 20-20 घंटे सो रहा हूँ, मैं बोला यार ये तो नॉर्मल नहीं है, मैं 20 घंटे क्यों सोने लग गया। तो फिर मैंने लगा यार ये दवा में पानी में मेरे को दवा दे रहे हैं इंजेक्ट करते थे पानी में दवा, ये सब गड़बड़ हो रहा है यार, मैं तो ऊपर नहीं पहुँच जाऊँ क्योंकि ओवरडोज हो गया तो मेरी जान को भी खतरा है। तो फिर मैंने उनको बोला कि देखो भाई आप मुझे दवा दो जो आपको लग रहा है, एटलीस्ट एक सही डोजेज में मिलेगी, चाहे वो मेरे लिए हानिकारक होगी क्योंकि मुझे चाहिए नहीं दवा, लेकिन फिर भी आप डोज में तो दो, एक
नाप तोल के, ओवरडोज हो गया तो खैर मैंने दवा लेना शुरू की। फिर 19-20 दिन के बाद वो उन्होंने, नहीं अब तुम थोड़े बेहतर हो गए हो, अब तुम घर जाने लायक हो गए हो, तो वो लेके आए मुझे आमिर के घर पे, ये यही बिल्डिंग में आगे आमिर का भी, आमिर साहब का भी घर है, हमारी पूरी फैमिली यही बिल्डिंग में, दो बिल्डिंग में रहती है, तो वहाँ आमिर साहब के घर पे लेके चले गए। वहाँ मुझे कैद कर लिया, फ़ोन वोन ले लिया, फ़ोन तो पहले ही ले लिया था, तो मुझे पूरा कट ऑफ कर दिया, वो मुझे दवाई दी जा रही है और मुझे, तो मैंने बोला भाई ये क्या हो रहा है, मैं थोड़ा चिढ़ भी रहा था लेकिन सब्र भी कर रहा था। तो फिर धीरे धीरे उन लोग थोड़ा ऐसा मौका मिला कि थोड़ा उन लोग थोड़ा रिलैक्स हुए फैमिली वाले, तो मुझे मौका मिला, मैंने सब जो मेरे साथ ये सब इल्लीगल एक्टिविटीज़ हुई थी, इल्लीगली हुई है, ज़बरदस्ती करना, दवा देना, बंद करना, तो मैं जाके एक जर्नलिस्ट को मैंने बोल दिया, जमाल शेख को, उसका कांटेक्ट निकाला, ईद के दिन था वो भी, जाके उसको ईद के दिन मैं निकल गया घर से कि किसको मिलने जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और वहाँ जाके उसको पूरा इंटरव्यू जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे पूरा लिख के और रिकॉर्ड कर दिया। फिर मुझे लगा नहीं यार ये फैमिली है, फैमिली का ये सब नाम उछला जाएगा, और थोड़ा तो मुझे अभी ये लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं, मैं बाहर भी निकल जा रहा हूँ, तो बोला ये कुछ महीनों में और मामला ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने जमाल को बोला, जमाल अभी तुम प्रिंट मत करना ये, अभी तुम ये रोक के रखो, क्योंकि फैमिली की बातें यार बाहर क्या, लोगों को भी मौका मिलता है बात करने, क्या क्या होता है, तो मैंने वो सोच के मैंने बोला अभी मत, तो ही वॉज़ वेरी काइंड इनफ, उसने बोला आप, मैं नहीं प्रिंट करूँगा जब तक आप मुझे बोलेंगे नहीं, मैं इसको नहीं प्रिंट करूँगा। फिर वो बात आई गई हुई और एक साल हो गया, तो आमिर साहब ने मुझे बोला था एक साल के लिए आपको मेरे घर में, तो मतलब उनका अंदाज़ा था कि एक साल में मैं ठीक हो जाऊँगा, ऐसा उनका कुछ शायद रहा होगा अंदाज़ा। तो फिर मैं एक साल के बाद फिर से यहाँ आ गया, मतलब एक साल हो गया आप मुझे छोड़ो, तो फिर मैं यहाँ, अब मेरा वेट 103 किलो हो गया था ऐसा, और मेरे मूवमेंट्स वो गोली वोली की वजह से एकदम स्लो ऐसे हो गए थे। अब मैं बोला यार मैं तो हीरो भी नहीं बन पाऊँगा, लुक्स भी ख़त्म हो गई हैं, तो ये सब सोच रहा था मैं, चलो मैं एक गोट फार्म खोल लेता हूँ और राइटिंग करता हूँ, राइटिंग इंडस्ट्री से ऐसा जुड़ा रहूँगा कि मैं राइटिंग करूँगा। तो मैंने लिखना शुरू किया उस टाइम स्क्रिप्ट, और मैंने गोट फार्म की तैयारी की, काफ़ी जगहों जाके अलग अलग गोट वालों से मिला, यहाँ चेंबूर में भी एक अब्दुल रहमान करके हैं, वो उस टाइम प्रेसिडेंट थे स्लॉटर हाउस के जो यहाँ है ना चेंबूर में, तो वहाँ जाके पूरा उनसे मिला, उनसे राय ली और काफ़ी सर्वे किया। फिर मैंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश किया बिमल पारिक को और आमिर को, तो उन्हें बिमल पारिक ने स्टडी किया, आमिर के सी ए हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, तो उन्होंने पूरा स्टडी करके बोला हाँ ये ठीक है, फैसल जो बोल रहा है ये ठीक है, शायद हो सकता है। तो आमिर से थोड़ा इन्वेस्ट कराया गया पैसा उसमें लैंड वैंड ख़रीदने का। अब ये बात हुई थी, ये सब बात 2004 में मुझे 2005 में मुझे पकड़ा गया था, अगर मुझे याद 2004 या 5 है, और अगले साल मुझे छोड़ दिया गया। तो 2006 से 2007 तक मैं यही घर में फिर से आके कहानी लिख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ गोट फार्मिंग। फिर आमिर साहब एक मुझे 2007 में बुलाते हैं और बोलते हैं कि आपका सिग्नेटरी राइट्स मुझे चाहिए, मतलब तुम अपने फैसल नहीं ले पा रहे हो, तुम पागल हो थोड़े, तुम अपना सिग्नेटरी राइट्स हैंड ओवर कर दो, तुमको कल कोर्ट में जाना है, ये डॉक्टर है हरी शेट्टी और ये किसी को भेजेंगे डॉक्टर को कोर्ट में, और तुम जाके कोर्ट में बोल दो कि मैं अपने डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, आई नीड अ गार्डियन। तो मुझे शॉक लगा, बोला यार अभी तक ये लोग मेरे पीछे ही पड़े हैं, अब ये बात आ गई फिर से नई बात आ गई, और अब अगर मैं अपनी सिग्नेटरी राइट्स हैंड ओवर कर देता हूँ तो मैं क्या करूँगा लाइफ में, मैं वोट भी नहीं कर सकता क्योंकि आई कॉन्ट टेक माई ओन डिसीजन, मैं कोर्ट में बोल चुका हूँ, तो यू नीड अ गार्डियन। अब गार्डियन भी आपका चेक साइन करेगा, आपका कुछ काम काज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा ये तो बहुत गलत हो रहा है भाई, मेरे साथ गलत हो रहा है। तो फिर मैं घर से निकला और मैंने फैमिली को टेक ऑन किया, जो महाभारत, एक तो वो महाभारत थी, एक मुझे महाभारत लड़नी पड़ी, मतलब अब मुझे ही अपने आप को बचाना पड़ेगा, चाहे फैमिली के ख़िलाफ़ ही क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि अब ये लोग नहीं मान रहे। इतने साल से मैं जो 2004 से मैं 2005 से जो पकड़ा गया 2007 आ गया, अब ये लोग नहीं समझ रहे हैं, ये लोग समझ रहे हैं कि मैं पागल हूँ, दे रियली बिलीव दैट। मैंने ठीक है फिर, तो फिर मैं फैमिली का केस चला, ये हुआ, फिर केस से मैं जीत गया केस,
तो मुझे आज़ाद, लेकिन फिर भी मैंने बोला मैं अभी वो सब मैं उछालूंगा नहीं, कि पैसा भी नहीं था, मीडिया को तो ख़रीदना पड़ता है कि भाई छापो, कि मैं जीत गया हर जगह, तो वो पैसा भी नहीं था और टाइम भी नहीं था। मैंने बोला ये सब छोड़ो, जो हो गया इसको भूलो, आगे सोचो आगे क्या करना है लाइफ में। तो मैं अपने कामों में लग गया। उसके बाद मुझे एक प्रोड्यूसर ने साइन भी कर लिया, हारून भाई करके, उनने मुझे एक साइन भी किया था। मैं लिखा था कहानी में लिख रहा था तो उनको पसंद आई थी। अब वो तो गुजर गए बेचारे। अच्छा, हारून भाई बोलते थे कि यार मेरे पास पैसा बहुत है, तुम बड़े हीरो लाओ, बड़े हीरो लाओ, पिक्चर बनाएंगे। तो हालांकि उनका एक पिक्चर में पैसा भी लगा था थोड़ा, वो डूब गया। वो उसमें युक्ता मुखी थी कुछ, मेम साहब या माया में, मेम साहब नाम नहीं याद आ रहा, खैर। तो उसमें तो वो बोल रहे थे यार ये छोटी पिक्चर नहीं बनाना है, बड़ी पिक्चर बनाओ। बना वो तो पैसा बहुत है। बना पैसे की बात नहीं है अरुण भाई, एक तो एक मेरा मेंटल टैग है, लोग समझते हैं आमिर खान ने बोल दिया मैं पाऊँ, तो लोग दुनिया समझती है, कौन आएगा मेंटली आदमी के साथ काम करने। और दूसरी बात ये है कि पैसा उनके पास भी बहुत है, आप पैसे के लालच क्या दे रहे हैं उनको। जो एक्टर्स हैं वो काफ़ी कमा चुके हैं, जो आप जो टॉप नाम बात कर रहे हैं, टॉप लोग तो काफ़ी कमा, वो लोग एक प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना चाहते हैं, जहाँ उनको भी मालूम पड़ता है कि प्रोड्यूसर सीरियस है और पिक्चर सही अंजाम तक पहुँचाई जाएगी। तो ये सब फैक्टर्स हैं। तो फिर वो स्टार्ट नहीं हो पाई पिक्चर, तो वो भी एक दौर था। फिर अब जाके अब डायरेक्शन का चांस मिला है मुझे। तो अब मैं ये अगर मैं सीरियसली मेंटल हूँ और अगर दुनिया मानती है कि मैं मेंटल हूँ और आमिर साहब ये लोग सब फैमिली मानती है, तो मैं सब काम डायरेक्शन एक्टिंग प्रोड्यूसर्स ने प्रोडक्शन का भार, सिंगिंग स्टोरी राइटिंग, तो ये कैसे कर पाऊँगा, ये सवाल है मेरा। इतना कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं ये, और हर बात में डिसीजन लेना पड़ता है, और एक कुछ गलत डिसीजन हुए आपकी पिक्चर के ऊपर सफ़र करेगी, आपकी पिक्चर फ्लॉप करेगी, आपके टेक्नीशियंस आपको साथ नहीं देंगे, तो सब झेलना पड़ेगा। तो अब ये पिक्चर, जब ये पिक्चर ये भी लोगों को सोचने पर मजबूर करेगी शायद, कि अगर ये मेंटल था तो इसने ये पिक्चर कैसे बनाई। तो अब देखें क्या होता है आगे की ज़िंदगी में, क्या लिखा है ये तो मैं भी नहीं जानता। मैं तो ज़िंदगी जीता हूँ। ट्रेलर बहुत अच्छा है और पिक्चर ज़रूर चाहिए। हाँ देखिए, इंशा दुआ करिएगा। ये जो कहा ऐसा कह रहे, तो इतने सारी चीज़ें मैं कैसे कर सकता। हाँ, अगर मैं मेंटल हूँ तो मैं ये सब चीज़ें कैसे करूँगा, ये तो सबको सोचना चाहिए, दुनिया को सोचना चाहिए। एक पूरी स्क्रिप्ट लिखिए आप, और अभी मैं और ये देखिए मेरे स्क्रिप्ट हैं, यहाँ मैं स्क्रिप्ट्स पे काम कर रहा हूँ, 3 स्क्रिप्ट्स यहाँ रेडी हैं, वहाँ भी सब लिखते लिखते। लॉकडाउन में मैंने आगे लिखा भी, लॉकडाउन में मैंने पिक्चर का सेंसर वेंसर और सब ट्रेलर कटिंग और ये सब करना शुरू कर दिया था। तो जैसे ही मेरी पिक्चर रेडी हुई तो लॉकडाउन शुरू हो गया, पूरा हो गया। तो फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, सेंसर कर लेते हैं। कोई लोग बोल रहे थे सेंसर मत करो क्योंकि फिर पिक्चर स्टेल हो जाएगी। मैंने बोला नहीं, कुछ नहीं, सबकी दुनिया ही कोरोना के चपेटे में है, तो सिर्फ मैं थोड़ी हूँ, मैं तो सेंसर कर लूँगा। अब सेंसर, उसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं जब मैंने सोचा कि मैं रिलीज़ करूँगा तो सेंसर वेंसर सब हो चुका था, सब ट्रेलर कट चुके थे, तो सब काम वो अभी फ़ायदा आ रहा है, इसलिए मैं जल्दी से मैंने डिसाइड भी किया और मैं रिलीज़ भी कर पा रहा हूँ। एक पब्लिक क्वेश्चन आया था, फैजल सर इज अबाउट 50, वो क्या खाते हैं ऐसा कि इतना फिट है आज भी। मैं अल्कोहल नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं पॉलिटिक्स नहीं करता, तो मेरा दिमाग बहुत सुकून में रहता है। ये नहीं कि ये सब बैक बाइटिंग, गॉसिपिंग, किसी को नीचे घसीटना, पॉलिटिक्स, ये तो मुझे आता ही नहीं। तो मैं चैन और सुकून में रहता हूँ, एक सिंपल ज़िंदगी जीता हूँ, सिंपल चीज़ों में मैं खुश हो जाता हूँ। शॉपिंग मुझे बहुत पसंद है, तो मैं रिलैक्स ज़िंदगी जीता हूँ, काम में पीसफुल सोता हूँ, जब जित काम है तो कम सोता हूँ, काम नहीं है तो ज़्यादा सो जाता हूँ। सच्चा इंसान हूँ, झूठ नहीं बोलता, कभी कभी अच्छा हूँ तो कभी कभी बुरा भी हूँ, इंसान हूँ ना, हर पहलू है लाइफ में। कभी कभी कोई लोग बोलेंगे बहुत अच्छा, कभी बोला यार बहुत गड़बड़ आदमी है, क्योंकि मैंने किसी को डांट भी दिया होगा कभी, अब वो चिढ़ गया तो बोलो तो ऐसा भी होता है। तो इंसान है तो हर चीज़, हर पहलू होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, कभी हीरो भी होता है, कभी ज़ीरो भी होता है, कभी विलेन भी होता है,
इंसान से गलती भी होती है, टू अर इज ह्यूमन, मतलब मैं भी गलतियां करता हूं, लेकिन मैं फिर माफ़ी मांगना भी जहां तक हो सके मैं कोशिश करता हूं कि कोई गलत काम ना करूं, एक अच्छा इंसान, ये मेरी कोशिश है। अब वो कितना सफल है वो लोग बताएंगे और लोग बोलेंगे, लेकिन मैं इसलिए मैं ज़्यादा इसलिए मैं क्योंकि मैं पीसफुल रहता हूँ और शांत रहता हूँ, तो वो एज भी शायद दिखती नहीं मेरे चेहरे पर आने वाले। और कहाँ कहाँ देखेंगे फैजल? देखिए आने वाला एक तो डेंजर अहेड रेडी है, अब मुझे लगता है फैक्ट्री के बाद अगर थोड़ी फैक्ट्री चल गई तो वो प्रोड्यूसर और भी खुश हो जाएगा, वो बोलेगा चलो इसने मेहनत की, इसने पब्लिसाइज़ किया, अब मेरी पिक्चर भी निकाल देता हूँ मैं। तो एक वो पिक्चर रेडी है डेंजर, वो भी काफ़ी, वो भी थ्रिलर है, वो भी अलग किस्म की, वो बहुत अच्छी है, वो कहानी बहुत अच्छी है और वो रेडी है, वो भी रेडी है पिक्चर। तो एक तो वो लगेगी जल्द से जल्द डेंजर अहेड, और दूसरी मैंने अभी देखी ये पिक्चर, अभी कोई दूसरे प्रोड्यूसर आए नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने लॉकडाउन में 3 कहानियाँ लिख ली, उसके बजट्स, उसके कहानी, उसके उसके टेंटेटिव कास्ट, स्क्रीन प्ले लिख लिया है रफ डायलॉग्स के साथ, तो उसमें खाली डायलॉग्स लिखना बाकी है, तो स्क्रीन प्ले भी रेडी है 3 प्रोजेक्ट्स का। तो अब देखें आगे क्या सफ़र है लाइफ का, अगर कोई प्रोड्यूसर आते हैं तो भाई अच्छा है, उनको पेश की जाएगी कि ये प्रोजेक्ट है, ये बजट है, ये प्रोजेक्ट, ये बजट है, ये प्रोजेक्ट, ये बजट है, तो उनका जो भी जमेगा, जो कहानी जमेगी तो वो बनाई जाएगी, ऊपर वाले ने चाहा तो हम भी बनाएंगे आगे पिक्चर।